click the bell icon and never miss another update from Bollywood Spy. Once upon a time in Mumbai, कितनी बेहतरीन फिल्म थी ना ये? Well, मैं बता दूं आपको कि इसके जो डायरेक्टर हैं मिलन लोथरिया, वो अजय देवगन और इमरान हाशमी फिर से लेकर आ रहे हैं एक नई फिल्म जिसका नाम है बादशाह, जिसका फर्स्ट लुक हो चुका है रिवील और बहुत ही ज़्यादा इंटेंस है। मैं हूँ राहुल भोज और मेरी आज लाइव ऑडियंस मुझे बताएगी कि उन्हें कैसा लगा लुक, क्या कहना चाहेंगे अजय के इस डकैत लुक के बारे में। सारी बातें लेकर आऊँगा मैं एक्सक्लूसिवली ऑन बॉलीवुड स्पाई। सो यार, आपने अभी बादशाहों का फर्स्ट लुक देखा, सबसे पहले अपना ऑनेस्ट फीडबैक दे दो कि आपको कैसा लगा ये लुक। ये लुक, इससे इंटेंस लुक मैंने अजय देवगन का कभी नहीं देखा है, फ्रैंकली स्पीकिंग। एंड ऐसा ट्रेलर, ऐसा फर्स्ट लुक देखने के बाद पोस्टर, आई लाइक टू गो एंड वॉच दैट मूवी, क्योंकि इससे पहले उनका इतना इंटेंस लुक मैंने कभी देखा नहीं है। काफ़ी इंटेंस है, अच्छा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है, मैं देखना चाहूँगा ज़रूर जब रिलीज होगा। आई फील द लुक इज़ डेफिनेटली इंटेंस बट लिटिल डिफरेंट फ्रॉम द टाइटल से बादशाह, एंड इट्स लाइक अ लिटिल डकैत लुक, सो आई एम नॉट श्योर लाइक व्हाट सरप्राइज इज गोइंग टू कम, सो वी होप लाइक मूवी विल बी रियली गुड, लेट्स सी। इंस्टेड ऑफ द रोमकॉम्स दैट वी आर वॉचिंग नाउ डेज, सो यस आई एम वेटिंग फॉर इट। तो लुक तो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है, हमने अजय देवगन को पहले ऐसे लुक में देखा नहीं है, तो इट्स अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू द मूवी, शायद कुछ डिफरेंट होगा, बहुत ही इंटेंस लुक है, तो देखते हैं अभी कैसे होगी। आई फील दैट इफ इट इज स्टिल ऑन द लाइन्स ऑफ वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, आई थिंक द मूवी इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। एंड लुक से तो बहुत अच्छा लग रहा है, इट फील्स दैट यू नो इट्स नॉट गोइंग टू बी अ नॉर्मल मूवी, इट माइट बी समथिंग मोर टू इट। मतलब अरे मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जैसे ही मैंने इनका लुक देखा तो उसमें तो अजय देवगन की पूरी इंटेंस लुक है। Correct. और सबसे बड़ी बात है जो उनकी आंखें हैं वो सब कुछ बयां कर देती हैं, उनकी आंखों के पीछे ही तो मैं बोलता हूँ जो इंडिया की लड़कियां हैं ना उन फिदा हैं, वो आज से नहीं है, जब से उन्होंने पहली फिल्म की थी वो तब से लेके अब तक उनकी फ़ैन है। तो मैं तो उनकी फिल्म जरूर देखने जाऊँगा चाहे जो मर्जी है, अगर पोस्टर इतना अच्छा, फर्स्ट लुक इतना अच्छा आया तो ट्रीजर कितना अच्छा होगा ये भी, और ट्रीजर और ट्रेलर आप लगा लीजिए, कैसा आइडिया लगा लीजिए। लुक तो बहुत ही अच्छा था, अजय देवगन इज लुकिंग वेरी इंटेंस, सो एनीवेज ही इज एक्सपेरिमेंटिंग नाउ डेज अ लॉट, सो रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द मूवी। बादशाह के लुक में सबसे पहले तो अजय देवगन का लुक, इट वॉज ऑसम, मतलब अभी तक मैंने इतना अच्छा लुक उनका अभी तक नहीं देखा, शिवाय के बाद ये मूवी है जो मस्ट वॉच मेरे हिसाब से, और बड़ा एक्साइटमेंट है हम लोग इस मूवी को देखने के लिए, पहले ही प्री बुकिंग करनी पड़ेगी ऐसा लगता है। लुक तो बहुत अच्छा लगा, और बहुत दिनों बाद अजय देवगन का ये लुक आया, तो वंस अपॉन अ टाइम के बाद तो ऑसम है, देखते हैं क्या होता है। फिलहाल अभी इतना बोलना चाहूँगा कि अजय देवगन का नाम ही काफ़ी है, तो अच्छे एक्टर है, अच्छी बॉडी है, सिंघम पहले से, मतलब स्टार्टिंग से उन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग, अच्छी एक्शन दी है, सिंघम से तो उन्होंने तो बॉक्स ऑफिस पूरा फाड़ चुका है। तो अभी बादशाह के बारे में बोलना चाहूँगा तो बहुत क्लास लुक दिया है, बहुत रॉकिंग लुक दिया है, देख रहा हो सोशल मीडिया पे भी उसका लाइक्स बहुत बढ़ते ही जा रहा है। मिलिन लुथरिया है तो शायद से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है, बिकॉज इज अ वेरी गुड डायरेक्टर, पहले भी प्रीवियस जितनी भी उनकी मूवीज आई है दैट वाज वेरी यस डर्टी पिक्चर, देन आई गेस कच्चे धागे, ही इज ऑल्सो डायरेक्टेड द कच्चे धागे, सो रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द बादशाह, मे बी टिकड़ी मिलके धूम मचाएगी। यस, तो ऐसा है कि तीनों की जोड़ी इस बार भी धमाल मचाने वाली, जैसे वंस अपॉन टाइम मचाई थी, और बड़ा ही मजा आने वाला है मूवी देख के ऐसा लग रहा है। लुक तो पहला हैट्स ऑफ यार, प्रोड्यूसर डायरेक्टर सारे बेस्ट है। ये वैसे तो गैंगस्टर बेस मुझे पसंद नहीं है, बट देन ही हैज चेंज्ड दैट एंटायर एरा बाय यू नो कमिंग विद वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, तो यस आई विल लुक फॉरवर्ड टू दिस मूवी। सो वंस अपॉन अ टाइम तो बहुत अच्छी थी, तो उस हिसाब से तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है कि वो अच्छी होगी, बाकी ये कॉम्बिनेशन इमरान हाशमी की थोड़ा देखते हैं अब कैसा होता है, बहुत ही वियर्ड कॉम्बिनेशन है, देखते हैं अब कैसी होती है मूवी। एक्सपेक्टेशन यानी क्या बताऊँ मैं, एक क्रिमिनल बेस मूवी थी वो वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, और उसके बाद जब ये आ रहा है तो ऑसम ही होगा, और ये भी लगभग वैसा ही yeah. मतलब क्रिमिनल बेस्ड ही है कुछ ये, क्योंकि डेफिनेटली हाई बिकॉज जो भी इनके पहले कॉम्बिनेशन थे मूवीज के इट वाज रियली गुड, सो वी होप दैट इट विल बी एट द पार और एटलीस्ट अबव द पार। वंस अपॉन अ टाइम उसके जो डायलॉग थे स्पेशली अजय देवगन के, दुआ में याद रखना यार, बहुत क्लास था, बहुत इंप्रेसिव था। अरे थम्स अप भी मिलेगा इसको, बस मैं थम्स अप दूंगा, थम्स अप या इट्स अ थम्स अप यार। तो कैसा लगा आपको ये बादशाहों वाला लुक? वेल, जैसा भी लगा हो नीचे कमेंट सेक्शन है आपका अपना सेक्शन, बिंदास खटखटखट करके कमेंट टाइप कीजिए, क्योंकि चैनल जो बॉलीवुड स्पाई है आपका अपना चैनल है यार, पहुंचाता है सबसे तेज एंड एक्सक्लूसिव न्यूज ऑफ बॉलीवुड।
ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम सभी जगहों पर हमारी पकड़ है, हम बादशाह हैं वहाँ के, तो आप वहाँ पर जाकर हमें फॉलो कर सकते हैं। मेरा नाम है राहुल भोज, विद कैमरामैन विशाल।